हेलो गाइस, वेलकम टू अपर्णास रेसिपी ट्री। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गणेश जी के फेवरेट मोदक, जिसके बिना की गणेश जी की पूजा अधूरी होती है। मोदक तो अपने तरह से सब बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ उसे शायद पहले आपने कभी नहीं बनाया होगा, ना ही पहले कभी खाया होगा। तो आज हम गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए बना रहे हैं स्पेशल मोदक, जिसके लिए हमने ले लिया है ये नारियल। ये गीला वाला नारियल है, पानी वाला नारियल, जिसका कि हमने ये आधा नारियल लिया है, जिसका कि हमने ऊपर का जो ब्राउन पार्ट होता है उसको निकाल दिया है, और निकाल करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके उसे मिक्सी में डाल करके बारीक सा पीस करके इसका ऐसा नारियल का किस बना लिया है। आप चाहे तो इसमें जो कद्दूकस होता है छोटा वाला, उससे भी आप नारियल को पीस करके इसका नारियल का किस बना सकते हैं। तो हमने ले लिया है एक बाउल नारियल का किस, साथ ही हमने ले लिया है आधा बाउल गुड़, जिसे कि हमने छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। तो फ्रेंड्स, बनाते हैं गणेश जी के फेवरेट मोदक की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, बनाते हैं गणेश जी के फेवरेट मोदक, जिसके लिए गैस पर हमने रख लिया है एक पैन, और उसमें हम डाल देंगे एक चम्मच घी। देखिए, घी हमारा मेल्ट हो गया है। अब हम उसमें डाल देंगे हमारा बारीक टुकड़ों में किया हुआ गुड़, और गुड़ को अब हम मेल्ट होते तक चलाते हुए पका लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और लगातार चलाते हुए गुड़ को मेल्ट होने तक पका लेंगे। देखिए, जो गुड़ है इसे हमने पका लिया है और ये मेल्ट हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमारा किसा हुआ नारियल का किस था उसको, और इसे भी लगातार चलाते हुए हम पका लेंगे, जब तक कि ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता और अच्छे से एक दूसरे में मिक्स नहीं हो जाते। देखिए, जो हमारा मोदक का मिश्रण था, जिसे कि हमने 5 से 6 मिनट तक पका लिया है, और ये गाढ़ा हो गया है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा होगा। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, और जो ये मोदक की फिलिंग है इसको हम ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, हम जो गणेश जी के लिए स्पेशल मोदक बनाने जा रहे हैं उसकी हमने फिलिंग बना करके तैयार कर ली है, और ये मोदक की फिलिंग अब ठंडी हो गई है। अब हम बना लेते हैं उसके ऊपर का कवर। फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब ये मोदक बनके तैयार हो जाएंगे तो आप यकीन ही नहीं कर सकते कि ये मोदक है। ये इतने प्यारे लगते हैं, दिखने में बहुत सुंदर दिखते हैं, और खाने में उतने ही टेस्टी। तो बना लेते हैं उसका कवर। तो कवर बनाने के लिए हमने ले लिया है एक बाउल चावल का आटा। आप इसमें कोई भी चावल का आटा ले सकते हैं। साथ ही हमने ले लिया है आधे बाउल से कम लिया है मैदा, और साथ ही हमने लिया है एक छोटा बीटरूट, जिसे कि हमने कद्दूकस कर लिया है। आज हम जो गणेश जी के लिए स्पेशल मोदक बनाने जा रहे हैं, हम उसमें किसी भी आर्टिफिशियल कलर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम उससे एकदम नेचुरली बनाना चाहते हैं। तो हमने कद्दूकस कर लिया है एक बीटरूट को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ये बीटरूट है इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। हमें इसका पानी, जैसे हमने एक कटोरी चावल काटा और एकदम पाव कटोरी हमने लिया है मैदा, तो हमें क्या करना है, जो ये चावल का आटा और मैदा करीबन डेढ़ कटोरी हो जाएगा, डेढ़ कटोरी से कम, तो हमें जो इसका बीटरूट का पानी जो लेना है वह हमें लेना है डेढ़ कटोरी। तो इसको अच्छे से मसल लेंगे। देखिए, मसल लिया है, कितना प्यारा कलर आ गया है। अब हम इसे छन्नी से छान लेंगे, और जो इसका रस है ये करीबन डेढ़ कटोरी होना चाहिए। देखिए, हमने बीटरूट का जो रस था उसे छान लिया है। तो ये हमने जिस बाउल से हमने चावल काटा लिया है उसी बाउल से हमने मेजरमेंट करके इसको डेढ़ कप बीटरूट का रस ले लिया है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीटरूट के रस को पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, बनाते हैं मोदक का कवर, जिसके लिए गैस पर हमने रख दिया है एक पैन, और उसमें हम डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा, आधे चम्मच से भी कम घी, और गैस की फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। अब हम उसमें डाल देंगे, इसको तो फैला देते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने बीटरूट का रस निकाला था उसको इसमें डाल देंगे, और इसे उबाल आने तक पकने देंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच शक्कर।
शक्कर डालने से क्या होता है ना, जो ऊपर का कवर होता है फीका फीकाने लगता है, उसमें टेस्ट आ जाते हैं और साथ ही जो इसका कवर बनेगा वो बहुत बढ़िया बनेगा। इसे मिक्स कर देते हैं और तेज फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे, इसे उबाल आने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा बीटरूट का रस था इसमें उबाल आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे और इसमें हम डालेंगे चावल का आटा। इसमें धीरे धीरे करके चावल का आटा डालेंगे और इसे हम मिक्स करते जाएंगे। जैसे हम उकड़ी की मोदक के लिए कवर का आटा बनाते हैं, वैसे ही हमें ये आटा भी बना के तैयार करना है। तो इसे धीरे धीरे डालेंगे और डालते हुए इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने आटे और मैदे को दोनों को इसमें डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने आटे को अच्छे से मिक्स कर दिया है। सॉरी दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी, क्योंकि जब इसका पानी हम बॉईल कर रहे थे तब हमें उसमें एक चुटकी नमक डालना था। तो कोई बात नहीं, इसमें हम अभी एक चुटकी नमक डाल देते हैं, क्योंकि नमक डालने से क्या होता है ना, इसका जो टेस्ट है दुगना हो जाता है। तो हमने इसमें एक चुटकी नमक डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें नमक को अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप इसको जब आप पानी को बॉईल करें तब भी उसमें नमक डालिएगा, क्योंकि मैं भूल गई थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ढक देंगे ढक्कन और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे भाप में ही आटे को 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। देखिए जो हमारा मिश्रण है, जिसे कि हमने ढक करके 2 मिनट रख दिया था, अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में, क्योंकि जो मिश्रण होता है थोड़ा सा गर्म होता है तभी इसे मसल लेना चाहिए, क्योंकि इसे अच्छा आटा गूंथ के तैयार हो जाता है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हाथ में लगाएंगे घी और जो हमारा ये आटा है इसको हम अच्छे से मसल लेंगे, जिससे एक इसका अच्छा सा डो बन करके तैयार हो जाएगा। तो इसे खूब अच्छे से मसल लेते हैं और इसे एक सार करते हुए इसका अच्छा सा डो बना करके तैयार कर लेते हैं। देखिए हमने मोदक के आटे को बहुत अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट तक अच्छे से मसल लिया है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब ये आटा गर्म हो उसी समय आपको मसलना है, जिससे ये हमारा आटा बहुत अच्छे से मसल के हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये मोदक का डो बन के तैयार है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके छोटे से एक ऐसे लोई लेंगे, छोटा बॉल लेंगे और इसकी हम इस साइज़ की, और इसके अब हम छोटी सी पूड़ी बना करके तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने एक पतली सी पूड़ी बना करके तैयार कर ली है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक चाकू लेंगे और चाकू की सहायता से इसमें ऐसे 5 निशान कर देंगे। हमें इसे कट नहीं करना है, बस इसे 5 ऐसे निशान करने हैं, इस तरह से समान दूरी पर हम इसे हल्का सा कट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसमें 5 निशान लगा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो मोदक का जो मिश्रण है उसको लेंगे और उसको हम बीच में रख देंगे। फिर हम इसे लेंगे हाथ में इस तरह से, और हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमने कट लगाए थे उसको हम ऐसे मोड़ लेंगे इस तरह से। कट लगाने से क्या होता है ना, कट नहीं लगाना है, बस आपको उसमें निशान लगाना है। ऐसे निशान लगाने से क्या होता है ना, कि जो उसका जो हमारे फूल का जो शेप आएगा एकदम प्रॉपर आएगा। इस तरह से हमें इसे दबा देना है इस तरह से। मैं आपको एकदम धीरे धीरे बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए इस तरह से हमने इसे 5 साइड से दबा लिया है ऐसा। इस तरह से
इस तरह से हम अपने सारे भागों को ऐसे दबा देंगे। फिर क्या करेंगे, हम ये जो हमारा थंब है इसकी सहायता से जिसके एक एक पेटल, इसको ऐसे हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएंगे, जिससे कि इसके ऊपर एक ऐसा इम्प्रेशन बने जैसे पत्ती का इम्प्रेशन होता है। देखिए इस तरह से, देखिए तो ऐसा, फिर इधर से दबाएंगे ऐसा, देखिए ये पत्ती का इम्प्रेशन आ गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कोना है इसको हम इधर ऐसे दबा देंगे और इसको यहाँ पर हम चिपका देंगे इस तरह से। इस तरह से हम अपने सारे पेटल्स पर ऐसे इम्प्रेशन देते जाएंगे जैसे फ्लावर में होते हैं ऐसे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कलर भी इतना प्यारा लग रहा है जैसे फ्लावर की पेटल होती वैसे। और ये जो पेटल है इसको हम इधर ऐसे दबा देंगे, चिपका देंगे इसको। इस तरह से हम अपने सारे पेटल्स बना लेंगे और उसे चिपकाते जाएंगे और इस तरह से हम इसका मोदक का फ्लावर बना लेंगे। बहुत इजी है, दिखने में भी इतना सुंदर है। देखिए ऐसा, देखिए कितना प्यारा सा मोदक का फ्लावर बनके तैयार है। लग रहा है क्या मोदक, बिल्कुल नहीं ना, ऐसा लग रहा है जैसे ये फ्लावर है। इस तरह से हम अपने सारे फ्लावर वाले मोदक बना करके तैयार कर लेंगे। देखिए हमने अपने सारे फ्लावर वाले मोदक बना करके तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे स्टीम करेंगे। मोदक को स्टीम करने के लिए हमने स्टीमर में पानी गर्म करने रख दिया है और गैस को हमने ऑन कर दिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने पहले स्टीमर में पानी रखा है और उसके ऊपर हमने लगा दी एक जाली, और जाली को पहले हम घी से ग्रीस कर लेंगे और गैस की फ्लेम को हम तेज रखेंगे। तो इसमें लगा दिया है घी। अब जो हमारे बने हुए फ्लावर वाले मोदक है उसको इसमें हम अरेंज कर लेंगे। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, लग ही नहीं रहे कि ये मोदक है। देखिए इस तरह से हमने इसमें, देखिए हमने अपने फ्लावर वाले मोदक को स्टीमर में अच्छे से अरेंज कर लिया है और गैस की फ्लेम को हम तेज रखेंगे। अब हम इस पर ढक देते हैं एक ढक्कन और इसे 15 मिनट तक स्टीम कर लेंगे।
देखिए मोदक को पकते हुए करीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं और जो हमारे मोदक है बहुत अच्छे तरीके से स्टीम हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे 2 मिनट तक ऐसे ही ठंडा होने देते हैं और फिर इसके बाद हम इसे निकालेंगे सर्विंग प्लेट में। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो मोदक है बनके तैयार है। अब हम हल्का सा, क्योंकि अभी गर्म है, तो इस पर हम हल्का हल्का सा घी लगा देते हैं। घी, अगर आप घी पसंद करते हैं तो इस पर घी ज़रूर लगाइए, इससे इसका जो टेस्ट है बहुत बढ़िया आता है। या तो आप इसके ऊपर में जो केसर है उसका पानी भी डाल सकते हैं, दूध में घोल करके उसमें डाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, हमने इसमें बिल्कुल भी आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला है, ये बिल्कुल नेचुरल कलर है और ये कलर बिल्कुल मेंटेन है। तो हमारे ये मोदक भगवान जी को भोग लगाने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारे सुपर टेस्टी, सुपर यमी और एकदम यूनिक स्टाइल के गणेश जी के फेवरेट फ्लावर वाले मोदक। आप इसे जरूर ट्राई करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करिए। अगर आप गणेश जी को खुश करना चाहते हैं तो फ्लावर वाले मोदक उन्हें जरूर भोग में चढ़ाइए। अगले नई रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खाते रहिए खिलाते रहिए।